ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हेलो स्टार्ट करें, बताओ। यस सर। ठीक है, ओके। खुशी, वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक चलो हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। आपके स्कूल में कितने चैप्टर हुए ज्योग्राफी के? फर्स्ट, फोर्थ। कितने चैप्टर हुए? फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड सर दो दो। हाँ फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक सेकेंड। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? अभी दिख रही है? यस सर। ओके, वेरी गुड। देखो, ज्योग्राफी में क्या है सिलेबस में? फर्स्ट आफ्टर फील्ड विजिट, लोकेशन एंड एक्सटेंट, फिजियोग्राफी ऑफ ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, दीज आर दी 9 टॉपिक्स चैप्टर्स। ओके, मैं आपको बताऊंगा कौन सा उसमें कैंसल है। फील्ड विजिट जो फर्स्ट चैप्टर है, किसने रीड किया उसको? फील्ड विजिट, मुझे बताओ एक यस चीज, सर। फील्ड नॉर्मली हम लोग फील्ड विजिट कौन से पर्पस के लिए करते हैं? व्हाट आर द पर्पस दैट वी विजिट एनी प्लेसेस और समथिंग लाइक? आप कौन से प्लेसेस में ज्यादा जाना पसंद करते हो? जैसे मैंने आपको पूछा कौन से टूरिस्ट प्लेस पे आप जाना पसंद करते हो, तो गिव आंसर्स। पोर्ट, नेचुरल साइट। तो बताओ मुझे कि फील्ड विजिट में, और एक चीज कि व्हेन यू आर गोइंग टू सम काइंड ऑफ प्लेस, देन विच आर द डॉक्यूमेंट्स, या इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर द थिंग्स दैट यू शुड कैरी? कौन कौन सी चीजें आप कैरी करते हो? कंपास वेरी गुड। कंपास, देन फोटोज में यू कैन सी मैप मैप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैप। विदाउट मैप यू विल बी नॉट एबल टू फाइंड एनी प्लेस। ओके, सो मैप इज मैंडेटरी। आवाज ना है तुम। वॉइस नहीं आ रहा है? सबको प्रॉब्लम हो रहा है? खुशी, रेणुका? आ रहा है सर, वॉइस क्लियर है। ओके, सो मैप, कैमरास। ठीक है, फर्स्ट एड किट। हेलो सर, हाँ बोलना। मीट मीट एक रीजॉइन आवाज कर, ना है तो सर। हेलो तू एक रीजॉइन कर मीट। ठीक कार्तिक, ला देगा? यस सर, ये तो है। ओके, मीट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। ओके चलो, ठीक है। सो दीज आर द आइटम्स दैट वी शुड कैरी व्हाइल वी आर गोइंग टू फील्ड विजिट। ठीक है, सो कुछ ज्यादा मेजर है नहीं चैप्टर में कि आप फील्ड विजिट, और किसी भी आप फील्ड विजिट किसी फैक्ट्री में जा रहे हो या किसी कोई फार्मर रहेगा उसके फार्म में जा रहे हो विजिट करने, तो आप एक क्वेश्चनरी, मतलब आप एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करते हो। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप की प्रिपरेशन करोगे या लिस्ट तैयार करोगे? खुशी, रेणुका, आपको क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन है कि प्रिपेयर द क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। तो आप कैसे क्वेश्चन को लेके जाओगे? जब जो मान लो आप किसी शुगर फैक्ट्री में जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप वहां पे फैक्ट्री में विजिट किया आपने और वहां पे जो पर्सन है, तो आप उसे क्या क्वेश्चन पूछोगे? विषय रेणुका, प्रतीक, यस,
बताओ, वॉइस नहीं आ रही मेरी? वॉइस क्लियर है कि नहीं है? अभी नॉट आंसर, ओके। खुशी रेणुका, खुशी रेणुका वॉइस आ रही है? हेमंत, हाँ सर, यस सर, वॉइस क्लियर है? हाँ सर, खुशी, मेरा क्वेश्चन समझा तुम्हें? मैंने क्या पूछा? रेणुका, व्हाट डिड आई आस्क? तुमचा वॉइस ब्रेक झाला, परत रिपीट करा ना। ओके, आई आस्क, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। रेणुका, वॉइस देते आता? म्हणजे थिंग सांगायचे होते। नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है जो आप किसी फील्ड में, जैसे मान लो किसी आप फैक्ट्री को विजिट कर रहे हो, या किसी भी प्लेस में, जैसे आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे विजिट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई फार्मर है और उसके फार्म को आप देखने के लिए जा रहे हो, तो उस फार्मर से आप कौन से क्वेश्चंस पूछोगे रिगार्डिंग दैट फार्म? या किसी फैक्ट्री में जा रहे हो, उस फैक्ट्री के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछोगे? आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस होंगे जो आप बिफोर विजिटिंग दैट प्लेस, आपको ऐसी क्वेश्चनरीज, ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करनी है। तो मैंने पूछा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस आप पूछोगे, बताओ आप लोग। इन विच ईयर डिड दिस फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश? वेरी गुड, इन विच ईयर दिस फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश? ओके, नेक्स्ट। विच आर द इंग्रेडिएंट्स डू यू यूज? ओके, इंग्रेडिएंट्स, वेरी गुड, एंड व्हाट एल्स? मीट, इज द फैक्ट्री प्रॉफिटेबल? वेरी गुड, इज दिस फैक्ट्री प्रॉफिटेबल और नॉट? व्हाट काइंड ऑफ आइटम डू यू प्रोड्यूस एंड क्या हो सकता है मीट? Where are मीट the goods मशीनरीज supplied? आर यूज? Yes. वेरी गुड, देर आर द गुड सप्लाई। हाँ, मीट, सॉरी, कम अगेन, यू आर सेइंग समथिंग, मीट। Which machines are used? ओके, व्हाट काइंड ऑफ मशीनरीज डू यू यूज? नाउ आपको पता चला कि मशीनरीज कैसे, किस टाइप की होती है? यस और नो? यस सर, यस सर। अगेन, विच आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट एंड हाउ विल यू मैनेज द लिटर लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट? क्या कर सकते हो आप जैसे फील्ड विजिट में? सॉरी, हेमंत, वर्कर्स मतलब कितने वर्कर्स काम करते हैं आपके फैक्ट्री में? हाँ, क्वेश्चन भी पूछ बता रहे हो? हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा हाउ मेनी वर्कर्स वर्क? या ओके, हाउ मेनी वर्कर्स वर्क हियर? ओके, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? ओके, हाँ,
वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके ठीक है। कुछ इजी चैप्टर है फील्ड विजिट, आप इसको एक बार रीड करो और क्वेश्चन जो दिए गए हैं एक बार कोशिश करो, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, द मेन चैप्टर इज लोकेशन एंड एक्सटेंट, चैप्टर सेकेंड। ओके, दीज आर द क्वेश्चन, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज, 5 क्वेश्चन आर देयर। Solve this question. If you have any queries regarding this question, I'll explain each and every question. Okay, first try it in yourself. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उससे क्या होता है। एक जस्ट आपको बस किसी फील्ड विजिट के बारे में आप कौन सी प्रिपेयर चीज करोगे क्वेश्चन की, उसके बाद आप कौन सी चीज कैरी करोगे, देन आप उस फील्ड विजिट पे जाओगे तो कौन सी आप प्रिकॉशंस को यूज करोगे या प्रिकॉशंस को रखोगे कि साफ सफाई रहनी चाहिए वहाँ पे, वी शुड क्लीन एंड क्लियर ऑल दिस थिंग्स, और व्हाई फील्ड विजिट आर सो इम्पोर्टेंट, कि हमें फील्ड विजिट की क्या जरूरत है, वो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसके बारे में आपको उसके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करना, उसके बाद देना है। देखो ज्योग्राफी में आपको सिलेबस में हमने देखा कि प्राइमरी दो कंट्रीज पे ज्यादा फोकस दिया गया है, फर्स्ट इंडिया और सेकेंड कौन सी है वो, आपको उनके फ्लैग दिख रहे होंगे सामने, ब्राजील। वेरी गुड, तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग कि नॉट टेल मी वन थिंग, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में आपको मैंने बताया होगा कि हाउ मेनी हेमिस्फीयर आर देयर इन ऑन अर्थ, हाउ मेनी हेमिस्फीयर, बताओ हेमिस्फीयर वर्ड पता है सबको, यस और नो? अरे रिप्लाई करो, मुझे पता तो चले आपको वॉइस जा रही है। नो सर, डोंट नो हेमिस्फीयर, रेणुका फोर फोर, वेरी गुड कार्तिक, नेम देव, नाम बताओ उनके, नॉर्थन साउथन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेरी गुड, नॉर्थन हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड। नाउ देर आर टू मेन लाइन्स, दैट लाइन डिवाइडेड सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो आपको उन दो लाइन के नाम बताने हैं। फर्स्ट, विच लाइन्स आर डिवाइडेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, क्या उस लाइन का नाम क्या है, दीज आर दी इमेजिनरी लाइन, उसे नाम बताओ उस लाइन का। यस खुशी, खुशी वॉइस आ रही है, रेणुका ओके नो प्रॉब्लम, इक्वेटर क्या है उसका नाम, इक्वेटर, इक्वेटर, आई थिंक ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको पता है लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड लाइन क्या होती है, लैटिट्यूड लाइन, ये पता है कुछ, ऐसे नाम सुना है क्या ये? हाँ सर, लॉन्जिट्यूड लाइन्स, लैटिट्यूड लाइन्स, अगेन पैरेलल, मेरिडियन लाइन्स। 9th में मैंने आपको, हमारा एक टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम को कैसे काउंट करते हैं, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है प्लस 5:30 GMT, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको कैसे काउंट किया जाता है, यस और नो? यस यस सर, ये भूल गए सब, ठीक है मुझे उसको आपको डायग्रामेटिकली समझाना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसको देखता हूँ मैं थोड़ा PPT फॉर्म में, देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, बस कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना कि देर आर फोर हेमिस्फीयर
and two lines for northern hemisphere and southern hemisphere that divided equator, and western hemisphere and eastern hemisphere, the line divided is called prime meridian. Okay, हमारे जो हेमिस्फीयर चार है यस क्लियर है वॉइस यस सर ठीक है नाउ द इम्पोर्टेंट चीज की इंडिया क्वेश्चन कौन से हेमिस्फीयर है कौन रहेगा इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज लोकेटेड You can see in the textbook. In which hemisphere India is located? Northern. Very good. Northern and? Eastern hemisphere. Northern and? Very good. Northern and Eastern hemisphere, underline it. India is located in the northern and eastern hemisphere of the earth. And tell me one thing, how many continents are there in on the earth? Kitne continent hai? Seven continents, very good. So India kaun se continent mein aata hai? Asia, Asian continent, very good. And Brazil? ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वेरी गुड साउथ अमेरिका ठीक है तो ये चीजें मेन याद रखना कि इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट ओके And same thing, Brazil. Brazil ki location batao. Which hemisphere Brazil is located? Western hemisphere. Just western. Read it carefully. Northern hemisphere. I said read it carefully. Hemant. Southern hemisphere. No. Northern. Northern hemisphere. See what is there. Some part of Brazil lies in the northern hemisphere, while most of it lies in the southern hemisphere. Also, it lies in the western hemisphere in the northern part of the southern American continent. So keep in mind, Brazil is located in the three hemispheres. Which are the three hemispheres? Northern, southern, as well as here. Yes. क्या क्लियर है बताओ कार्तिक ब्राजील कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है खुशी ओके सबको वॉइस क्लियर है यस सर देन आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो मैंने आप पूछा कि ब्राजील की लोकेशन कौन से हेमिस्फीयर में है वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी बोल
यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, सबको आवाज ब्रेक हो नहीं आ रही है रही वॉइस, सर आपकी। सबको ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? खुशी, रेणुका, कार्तिक, हो हाँ सर, हाँ हो सर, हो सर, सबको ब्रेक हो रही है। अभी कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, ईमान, यस सर, हाँ सर, क्लियर ओके ठीक। है, अभी क्लियर है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ब्राजील, ब्राजील इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? नॉर्थन, साउथन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हाँ वेरी गुड, ये चीज बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना कि ब्राजील तीन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, नॉर्दर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया, इंडिया इज लोकेटेड इन, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेरी गुड, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता है और ब्राजील आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके क्लियर है सबको, यस और नो? यस यस सर, यस सर, ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की कैपिटल क्या है? जस्ट दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में दिल्ली, ऐसा न्यू दिल्ली। और ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया, वेरी गुड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? ब्राजीलिया, ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन, विच आर द पॉपुलर गेम इन ब्राजील? और नॉर्मली वहां पे कौन सा ज्यादा पॉपुलर गेम खेला जाता है? फुटबॉल, बहुत सारे गेम्स है, उसमें एक पर्टिकुलर गेम है जिसका नाम है फुटबॉल, वेरी गुड। एंड इन इंडिया दिस इज द क्रिकेट, मोस्ट पॉपुलर, यस, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, वेरी गुड। ना बोथ आर द रिपब्लिक कंट्रीज, इंडिया इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक कंट्री, एंड ब्राजील इज वॉट? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, फेडरेटिव मीन्स आपको मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस में, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ठीक है? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ब्राजील और इंडिया के बारे में, ठीक है? ओके और एक चीज मुझे बताओ कि ये आपका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड का आप कंसेप्ट डायग्रामेटिकली बताना पड़ेगा, ऐसे समझेगा नहीं। ओके लैटिट्यूड लाइन्स मीन्स हॉरिजेंटल लाइन्स और वर्टिकल लाइन, जिसको हम लैटिट्यूड लाइन्स बोलते वर्टिकल हैं, वो कौन सी होती है? हॉरिजेंटल, वर्टिकल लाइन, श्योर? लैटिट्यूड, हेमंत, कार्तिक, मीट, हिम्मत, आवाज आ रही है सही से? हाँ आपको आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? यस और नो? स्टिल यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हॉरिजेंटल लाइन लैटिट्यूड, ओके हॉरिजेंटल लाइन लैटिट्यूड, मला सांग कार्तिक, हॉरिजॉन्टल लाइन सरळ असतात की आडव्या असतात? रेणुका, हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी होती है क्या, टेढ़ी होती है, नेटिव होती है? लेटी हुई रहती है। हॉरिजॉन्टल लाइन नेटिव होती है। खुशी,
वर्टिकल अरे तुम लोग भी, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, याद रखना लॉन्जिट्यूड मतलब होती है जो लाइन सीधी है। बस इतना याद रखना कि लॉन्जिट्यूड लाइन में दैट जो खड़ी हुई लाइन होती है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग लॉन्जिट्यूड कहते हैं। एंड जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। जस्ट कीप इन माइंड। कोई रेणुका वॉइस क्लियर है? हो सर। तो देर आर 360 लॉन्जिट्यूड लाइन। कितनी लाइन है हमारे यहाँ पृथ्वी और पे? 360 लॉन्जिट्यूड लाइन है। क्या आपको डायग्राम से ही समझ में आएगा? ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है चलो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लोकेशन पता चली सबको इंडिया और ब्राजील की? यस सर। ओके ठीक है। देखो अभी यहाँ पे देखो ब्राजील इंडिया के बारे में क्या है। लोकेशन हमें पता चले कि कौन सा हेमिस्फेयर में है। अभी हम लोग एक्सटेंड देखते हैं, जिसको विस्तार कहते हैं। एक्सटेंड देखो यहाँ पे उसको कैसे हम लोग काउंट करते हैं। पर मैप देखो, इंडिया के मैप को ठीक है। ओके बीच वाली जो आपको लाइन दिख रही है इंडिया, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो बीच वाली जो लाइन है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अब कापू ब्रेक कॉ हो जाए, आवाज आवाज ब्रेक होता है। अभी आ रही है? यस सर। आपको जो इंडिया के मिडल में से जो लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है वो 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स पे? यस और नो? यस सर। देखो एक सेकेंड। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, एक सेकेंड। ओके सबको वॉइस आ रही है? यस यस रेणुका, सर। कार्तिक, खुशी। ओके ठीक है कार्तिक, आ जाते हैं। कार्तिक आवाज आ रहा है? खुशी
खुशी वॉइस क्लियर है? का हो सर। तो खुशी का बोलत का नहीं है? मीत कार्तिक यस सर, ये तो आवाज आता। ओके ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है एक बार देखो। हाँ दिस्ते। हाँ ये बगा इसे बगा एक बार देखो ध्यान से, ये हमारी अर्थ है, इसके बीच में जो आपको लाइन दिख रही है ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर। इक्वेटर। इक्वेटर, वेरी गुड। 0 डिग्री पे काउंट होता है जिसको हम, जो लाइन होती है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर डिवाइड करता है हमारे हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो याद रखना इक्वेटर से ऊपर टोटल लाइंस कितनी है? 90, एंड इक्वेटर के नीचे टोटल लाइन 90। सो टोटल अगर तुम्हें पूछा जाए कि लैटिट्यूड लाइंस कितनी है हमारे अर्थ के ऊपर, और पहले ये चीज याद रखना, दे आर ऑल इमेजिनरी लाइन, कि ऐसे एक्चुअल में कोई भी लाइंस नहीं है, ठीक है? ये लाइंस इसीलिए बनाई गई ताकि हमें हर एक कंट्री की लोकेशन और एक्सटेंट पता चल पाए, ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये इक्वेटर के ऊपर कितनी लाइंस है, रिपीट करो। यस 90 90 90 ऊपर 90 नीचे। नीचे, ओके। एंड जो मिडल वाली जो है 1, तो टोटल 181 लैटिट्यूड लाइंस आर देयर ऑन द अर्थ, ठीक है? ये हो गई लैटिट्यूड लाइंस मतलब लेटी हुई, ठीक है। एक बार ऊपर देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो मैं आपको बता रहा था ना इंडिया के मिडल में से कौन सी लाइन जा रही है, 23 डिग्री, तो 30 मिनट उसको काउंट करते हैं, कुछ उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे जो ब्राजील से जाती है, ठीक है, उसके नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऊपर जो है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल पे है, ठीक है। और जो मेरिडियन लाइन है वो हमारे, ओके, मैंने आपको बताया था कि कौन सी जो लाइन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है, बताओ। दिख रहा है आपको? यस और नो? प्राइम मेरिडियन। यस सर। ईस्ट, प्राइम मेरिडियन, वेरी गुड। ये याद रखना कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हमारी पूरी अर्थ है, उस अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो ये चार जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब क्या, हाफ सर्कल, उसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है? तो आपको ये हाफ सर्कल दिख रहा है ना, तो ये वेस्ट वाला हाफ सर्कल हो गया, ईस्ट वाला हाफ सर्कल हो गया, तो दो हाफ सर्कल हो गए। ये दो हाफ सर्कल को बीच में कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन। और यहाँ पे देखो ऊपर वाला नॉर्थ वाला हाफ सर्कल एक, और नीचे साउथ वाला हाफ सर्कल, तो इनके बीच में जो लाइन डिवाइड करती है इन दोनों को, वो करती है इक्वेटर। सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो ऊपर देखो इधर 90 डिग्री, एंड ओके, अर्थ को रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? अर्थ टेक्स वन रोटेशन। नो रिवॉल्यूशन नो नो, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, रोटेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन? या था ना 6 7 8, यस कार्तिक मीत, ये देखो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है इक्वेटर, लैटिट्यूड लाइन दिख रही है आपको, ठीक यस सर। है, और लॉन्जिट्यूड लाइन देखो दिख रही है, यस सर। तो ये टोटल लॉन्जिट्यूड लाइन्स अगर आपको पूछा गया कि कितनी हमारे अर्थ के ऊपर, तो टोटल 360 लाइन्स है लॉन्जिट्यूड। और लैटिट्यूड लाइन्स कितनी है जो मैंने बताया आपको, कितने? 181। वन एटी वन वेरी वेरी गुड, 181।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? ओके और एक चीज मुझे बताओ कि इक्वेटर के यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है कम होता है? इक्वेटर से हम लोग जितना पास जाएंगे, इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे उतना टेम्परेचर कैसे होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? इफ यू गो टूवर्ड्स इक्वेटर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज? वॉइस नहीं आ रही है? आवाज इतेगा? यस सर। तो टेम्परेचर इक्वेटर के पास टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है कि लो होता है? बताओ सही रॉन्ग कुछ भी बताओ। हाई होता है। वेरी गुड, हाई होता है टेम्परेचर। कीप इन माइंड इक्वेटर के पास टेम्परेचर हमेशा बहुत ज्यादा होता है। सनलाइट क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, कोई पता है उसके पीछे रीजन क्या है? बताओ। ग्रीन दिख रहा है आप लोग को सबको? यस सर। तो आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि अगर आपको पूछा किसी ने कि इक्वेटर के पास जो इक्वेटर की जो लाइन है 0 डिग्री पे, वहां पे टेम्परेचर हमेशा हाई क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है कि सन जो हमेशा, आपको पता है ना हमारी अर्थ जो है टिंटेड है, टिल्टेड पता है ना, एक तरह झुकी हुई है। 23 डिग्री एंड 30 मिनट हमारी अर्थ ऐसी क्रॉस झुकी हुई है, ठीक है? तो हमें वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, सीधी होती है, कहाँ पे, इक्वेटर के पास। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि इक्वेटर के पास टेम्परेचर हाई क्यों होता है, उसके पीछे यही रीजन है कि सन की रे इक्वेटर। ओके मैं किस मुझे चीज बताओ, आपने आपके पास बैटरी है? बैटरी बैटरी है क्या? बैटरी को आपने कभी यूज किया है? तो जब आप बैटरी ऑन करते हो तो मुझे बताओ उसकी रोशनी रोशनी सामने जिस तरफ आप उसकी डिरेक्शन कर रहे हो वहां पे ज्यादा होती है तेज, और उसके आजू बाजू थोड़ी मतलब टिल्टेड हो जाती है, स्लाइटली कम हो जाती है। सेम वैसे ही होता है अर्थ पे, अर्थ पे सन की रेस इक्वेटर के पास सीधी आती है, परपेंडिकुलर आती है। तो मुझे बताओ अगर सन की रेस सीधी उस लाइन पे गिरेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा ज्यादा। वेरी गुड, तो समय हमेशा सन की रेस परपेंडिकुलर होने के कारण इक्वेटर के पास टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है? और ओके यस यस ठीक है। तो इंडिया के मिडल में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, तो मुझे आपको आंसर मुझे बताना है, आपको आंसर बताना है कि इंडिया के नॉर्थ और साउथ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से एरिया में होगा, नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा? नॉर्थ में। साउथ। नॉर्थ में हेमंत बता रहे हो, नॉर्थ में कैसे हो सकता है? मुझे बताओ नॉर्थ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नॉर्थ हेमंत, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, एक सेकेंड,
ये देखो ये बीच में से जा रहा है, दिख रहा है आपको ये बीच वाली जो मैंने आपको बताया ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात मध्य प्रदेश यहाँ से देखो बीच वाली लाइन जो जा रही है, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? दिख रहा है यस सर। तो मुझे अभी नीचे इक्वेटर देखो कहाँ पे है, नीचे है ना 0.4 डिग्री के नीचे, यस और नो? यस। तो नॉर्थ वाला पार्ट इक्वेटर के पास है कि साउथ वाला पार्ट इक्वेटर के पास है? साउथ वाला पास है। वेरी गुड। तो साउथ में टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नॉर्थ में? साउथ में ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो हमेशा ये चीज याद रखना, इसीलिए हमारे इंडिया में साउथ और नॉर्थ में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हमेशा आप देखना कभी भी साउथ में आपको गर्मी मिलेगी और नॉर्थ में जाओ हमेशा आपको ठंडा मौसम मिलता है। उसके पीछे यही रीजन है कि नॉर्थ जो पार्ट है इंडिया का वो इक्वेटर से दूर है, ठीक है? तो आप इक्वेटर से जितना दूर जाओगे उतना टेम्परेचर कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। और क्यों डिक्रीज होगा टेम्परेचर? बिकॉज सनरेज टिल्टेड हो जाती है, सनरेज वहां पे परपेंडिकुलर नहीं हो पाती, पहुंच नहीं पाती, ठीक है? तो जहां पे सनरेज कम होती है वहां का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है? ये कुछ कंसेप्ट है याद रखना। मैं कोशिश करूंगा आपको कि कुछ डायग्रामेटिकली तरीके से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ मैं कुछ डायग्राम वगैरह पीपीटी बना के आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाओ, यस और नो? थोड़ा बहुत तो समझे अभी? यस सर। यस ओके चलो थैंक यू सर। ये कुछ चीज मैं आपको बता रहा था तो यू शुड रिमेम्बर। एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है मैप इंडिया का? यस सर। ओके अभी मुझे बताओ ये जो लेटिट्यूड लाइन है इसमें से लैटिट्यूड लाइन कौन सी है? लैटिट्यूड लाइन्स आपको दिख रही है? जो लेटिट्यूड लाइन देखो 32 डिग्री, 28 डिग्री पे, 8 डिग्री, 12 डिग्री, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे अरेबियन सी है, देखो पाकिस्तान अरेबियन सी, वहां पे देखो डिग्री दिए हुए है, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, दिख रही है आपको 28 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री, 4 डिग्री का गैप है, 20 डिग्री, 16 डिग्री, यस और नो? यस सर। सबको दिख रहा है हेमन? यस सर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है लैटिट्यूड लेटिट्यूड लाइन, ठीक है? तो अभी हम लोग ने इंडिया के लोकेशन बारे में देखा कि कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है, अभी हम लोग देख रहे हैं उसको एक्सटेंट, इंडिया और ब्राजील का एक्सटेंट कैसे काउंट करते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे देखो नीचे वाले जो लैटिट्यूड है उसकी डिग्री क्या है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स दिख रहा है आपको, सबसे साउथ में सदर्न जो पॉइंट है नीचे वाला दिख रहा है? यस सर। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, आपको आगे दिख रहा होगा टेक्स्ट बुक में नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ लिखा है ना, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, एन लिखा है एन, यस और नो? यस सर। ठीक है, और ऊपर देखो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, जो आपको फिल इन द ब्लैंक मतलब वहां पे जो ब्लैंक है ना उस पर आपने कुछ लिखा है क्या, किसी ने कुछ लिखा है वहां पे? ओ सर नहीं, लीला लीला है ना? ओके, तो आपको पता चला वो कैसे काउंट करते हैं हम लोग, जो लैटिट्यूड दिया हुआ है उसके ऊपर ये देखो 37 सबसे ऊपर वाला पॉइंट वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और दोनों ही तरफ नॉर्थ क्यों आया है कौन बताएगा इसका आंसर? अगर जिसको कंसेप्ट समझा वो तुरंत आंसर बताएगा कि दोनों ही तरफ एन क्यों लिखा है नॉर्थ नॉर्थ,
8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north. क्या रीजन इसके पीछे है रेणुका? यस बताओ खुशी, पता है कि नहीं पता है? नो सर. ये जो लाइन जो है ये सिर्फ इंडिया में काउंट होती है कि पूरे वर्ल्ड में काउंट होती है? होल वाइड. ओके, वर्ल्ड वाइड इसको काउंट किया जाता है. इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड के कंपैरेटिवली कहाँ पे है, कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. वेरी गुड, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो अभी हम लोग किसके बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं. इसीलिए देखो वहां पे नॉर्थ और नॉर्थ लिखा है. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के कंपैरेटिवली हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा वहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो इसीलिए दोनों जगह पे नॉर्थ आया है. और अभी दूसरी लाइन में देखो, अगर लॉन्जिट्यूड की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह पे ईस्ट आया होगा, ई ई लिखा होगा. क्लियर है? यस सर. लिखा है यस दोनों सर. जगह पे ई. ये देखो एक सेकेंड, दिख रहा है आपको? ई ई मीन्स ईस्ट. देखो यहाँ पे भी ईस्ट लिखा है. उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए यहाँ पे ईस्ट और ईस्ट आया है. और यहाँ पे क्या है? नॉर्थ और नॉर्थ. फिर ब्राजील का देखो एक बार आप तुरंत. ब्राजील का क्या है? नॉर्थ एंड साउथ. और नीचे दूसरे लॉन्जिट्यूड लाइन में क्या है? वेस्ट एंड वेस्ट. ब्राजील का एक बार मैप देखो, इक्वेटर के कहाँ पे है वो? इक्वेटर दिख रहा है आपको ब्राजील के मैप में? यस सर. इक्वेटर के ऊपर वाला कौन सा हेमिस्फीयर है? इक्वेटर के ऊपर वाला कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न. वेरी गुड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नीचे वाला? साउथर्न. साउथर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. इसीलिए यहाँ पे देखो 5 डिग्री 15 मिनट्स आपको दिख रही है इधर ऊपर, 5 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन, लेटी हुई लाइन. हम लोग लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ऊपर 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ. आपको पता चला नॉर्थ क्यों आया? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, इसीलिए नॉर्थ लिखा है. और टू नीचे देखो, ये नीचे वाले सबसे लाइन बताओ कौन से डिग्री पे है? ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट है 33 डिग्री एंड कितने मिनट है? 45 मिनट. वेरी गुड, 33 डिग्री एंड 45 मिनट. आगे क्या लिखा है? साउथर्न लैटिट्यूड. वेरी गुड, 33 डिग्री 45 मिनट. नहीं नहीं ये वाला जो लैट, सॉरी 45 मिनट. आगे उससे क्या लिखा है? एस मतलब क्या? साउथ. साउथ. अभी यहाँ पे साउथ नॉर्थ क्यों नहीं आया? देखो पहले तो यहाँ पे नॉर्थ आया, यहाँ पे साउथ क्यों आया बताओ उसका रीजन? खुशी 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ. ओके, ये तो आपको समझा. यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट है 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ. अभी नीचे 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ क्यों आया? यहाँ पे नॉर्थ क्यों नहीं आया? सिंपल है रेनकॉप जी, कारण के साउथर्न हेमिस्फीयर मध्ये. वेरी गुड, बस इतनी चीज याद रखना कि मैं चाहता हूँ इस कंसेप्ट को आप पकड़ो, ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर बहुत इजी से समझ में आए कि नेचुरल वेजिटेशन कैसे होती है, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है. तो
इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाओ कि कंट्री के लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर वैरी करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा और फौना होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चला यहाँ पे एस क्यू आया 1000 एमएसपीएस में। हाँ यार वॉइस ब्रेक। ओके आगे चलो, नेक्स्ट कौन सा है इंडिया में बताओ। अभी हम लोगों ने इंडिया में ये देखा कि लैटिट्यूड लाइंस के बारे में देखा, लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड मतलब सीधी लाइंस, ये वाली देखो इंडिया की लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट क्या है, सबसे ये वाला पॉइंट कितनी डिग्री है। यस, जो ऊपर दिख रहा है आपको ये वाली ऊपर वाली जो लाइन 68, 72, 76 डिग्री, 80 डिग्री, कितने डिग्री का गैप है बीच में, 68 डिग्री, 72 डिग्री, 76, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को। यस सर, कितने डिग्री का गैप है बीच बीच में, एक एक जो लॉन्जिट्यूड जो लाइन की हुई है उसके बीच में कितना गैप, कितने डिग्री का, रेणुका 4 डिग्री आपको दिख रहा है ना, 68 के बाद 70 डिग्री, इन पे दिख रहा है कि आपको ऊपर, ये देखो ऊपर वाली जो लाइन सीधी जो लाइन है, ये ब्लर है लेकिन सीधी लाइंस आपको नॉर्मली दिख रही है क्या, 70 डिग्री, 76 डिग्री, 80 डिग्री। यस सर, ठीक है। तो ये लॉन्जिट्यूड जो सबसे ईस्ट वाला पार्ट है ये कितने डिग्री का है, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे देखो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। वेरी गुड, 97 डिग्री 25 मिनट, जो हम लोगों ने ये वाला गुजरात वाला जो पार्ट है ना यहाँ से काउंट करके हम लोगों ने ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट यहाँ पे काउंट किया है। ठीक है, आपको ऊपर वाली अभी दिख रही है लाइन यहाँ पे 68, 72 डिग्री, इसमें दिख रहा है हेमंत, तो ये हमारे कौन सा एक्सटेंट हो गया, लॉन्जिट्यूड की लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, वेरी गुड, ये हमारा लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट हो गया। ठीक है, ऐसे काउंट किया जाता है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट। ब्राजील का एक बार काउंट करो, कौन करेगा लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट क्या हो सकता है, ब्राजील, तो ब्राजील भी कहते हैं, ब्राजील भी कहते हैं, बताओ लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट क्या हो सकता है यहाँ पे खुशी। लैटिट्यूड तो हम लोगों ने देखा 5 डिग्री 15 मिनट, 33 डिग्री 45 मिनट, लॉन्जिट्यूड में क्या होगा देखो रेणुका, ट्राई करूं, 34 डिग्री 47 मिनट, 34 डिग्री 47 मिनट, ओके। क्या है वेस्ट की ईस्ट, कौन से हेमिस्फीयर में, वेस्ट, वेस्ट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड। नीचे वाला तुमने काउंट किया 34 डिग्री 45 मिनट, यस। ऊपर वाला, सॉरी यहाँ से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, लैट लॉन्जिट्यूड मतलब जो सीधी लाइन है, 34 मिनट, ये पॉइंट कितना है, 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट, वेरी गुड, 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। ठीक है, जो मैंने ये देखो इस मैप में जो टेक्सटबुक में ऐसे लिखो, ठीक है कॉर्नर पे ऐसे लिखो, इंडिया के मैप में और ब्राजील के मैप में, कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ,
लिखा मैप में आप लोगों ने सबसे कॉर्नर वाले पॉइंट पे? यस सर। तो खुशी समझ में आया कैसे लिखा? यस सर। रेणुका सॉरी हेमन कार्तिक आएगा मीत आप लोग को समझ रहा है? मीत समझते का कार्तिक ओके सबको वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? हाँ सर। सर रेणुका खुशी? नो सर। हो सर मजे मजे होता है वॉइस ब्रेक बीच में हो रहा है क्या? चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? खुशी रेणुका हेमंत लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे काउंट करते हैं हम लोग? यस सर। ओके इंडिया के मिडल में से एक लाइन जा रही है देखो जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर सबसे वाला पॉइंट 82 डिग्री 30 मिनट दिख रही है ऊपर सबसे लॉन्जिट्यूड लाइन इंडिया में लॉन्जिट्यूड लाइंस ऊपर दिख रही है आपको 82 डिग्री 30 मिनट्स पे? यस सर। ठीक है वो काउंट करके एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको ISD लाइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है ये मैंने आपको बताया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9 पे था। ठीक है उसको कैसे काउंट किए करते हैं? चलो नेक्स्ट क्या है अभी देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया का कुछ पढ़ते हैं। क्लियर है वॉइस हेमंत अभी? हेमंत वॉइस क्लियर है? यस सर। कार्तिक कार्तिक भी आवाज देते हैं? यस सर। ओके वेरी गुड। देखो इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। India got independence in the year 1947 despite facing several problems like three wars, famine situation in various parts and similar issues after independence. India is a major developing country of the world. India is considered to be a global market too. Because of various economic reforms from time to time, India's economic development has paced up. Aapko pata hai इंडिया में आजादी कब मिली थी? 1947 को। ठीक है सो ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया लगभग 150 साल 150 इयर्स। रेणुका आवाज आते है ना? ओके सो इंडिया लगभग 150 साल अंडर ब्रिटिश रूल रहा। उसके बाद जैसे हमें आजादी मिली हमारे सामने बहुत चैलेंजेस थे जैसे फेमाइन सिचुएशन थी और आपको पता है 1947 में जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का उसमें बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है बहुत डेंजरस सिचुएशन हुई थी उससे उबर कर इंडिया जब बाहर निकला था उसके बाद भी इंडिया बहुत सारे चैलेंज को फेस कर रहा था क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी लोग भूखमरी से मर रहे थे। अगेन 1962 वॉर हुई इंडिया चाइना के बीच में 1965 इंडिया पाकिस्तान अगेन 1971 इंडिया पाकिस्तान। तो इन वॉर के कारण हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत गड्ढे में गिर चुकी थी रिसेशन बहुत आया था। तो धीरे धीरे मैंने आपको बताया था 1991 को LPG मॉडल लाया गया था उसके बाद धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने लगी और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बनने लगी। तो मुझे बताओ अभी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री है? डेवलपिंग। वेरी गुड डेवलपिंग कंट्री इंडिया। ठीक है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मतलब एज 15 एज से लेके 59 जो एज ग्रुप है इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ब्राजील। हम पूरे ज्योग्राफी में ब्राजील और इंडिया को कंपेयर करेंगे
क्लाइमेट के बेसिस पे, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन की बेसिस पे, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कैसी होती है, ठीक है, ये सारे इस पे हम लोग ब्राज़ील और इंडिया का ही कंसिडर करेंगे। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो एज पर्सन है, तो मतलब अबोव 60 ईयर्स जो पर्सन जो लोग हैं वो ज़्यादा है, कंपेरेटिवली इंडिया में यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। देखो यहाँ पे दिया भी है, द प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया पॉपुलेशन इज हाई बिकॉज दिस फॉर्म ऑफ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री एज कंपेरेटिवली ब्राज़ील। ओके, तो टाइम टू टाइम हमने हमारे इकोनॉमिक में मेजर रिफॉर्म्स लाए और हमारी जो इकोनॉमी थी उसको बूस्ट किया। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगेन सेम चीजें ब्राजील में भी थी, ऐसा नहीं कि इंडिया ही अंडर ब्रिटिश रूल रहा है, ब्राजील भी लगभग 300 साल तक किसके अंडर था, कौन बताएगा? 300 साल से भी ज्यादा, मोर देन 300 इयर्स किसके अंडर था रूल, किसके कब्जे में था ब्राजील? पुर्तगाल। पोर्तुगीज, वेरी गुड, पोर्तुगाल, पोर्तुगीज इनके इनकी कॉलोनी था। तो मुझे एक चीज बताओ कि ब्राजील सबसे ज्यादा साल किसी कॉलोनी में रहा है कि इंडिया? बताओ कार्तिक। ब्राजील। वेरी गुड, ब्राजील। ब्राजील एक पुर्तगीज रूल के अंडर था लगभग 300 साल से ज्यादा और इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था मोर देन 150 इयर्स। ओके, सेम सिचुएशन ब्राजील में भी थी, वहां पे भी इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ था और ब्राजील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। ब्राजील को कब आजादी मिली? 1822। वेरी गुड, सो फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी, ठीक है, लगभग 55 ईयर्स तक इट वॉज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो लगभग 55 ईयर्स तक ब्राजील एक मिलिट्री शासन, जिसको अभी पाकिस्तान में जैसे हम लोग बोलते हैं कि ज्यादातर वहां पर मिलिट्री रूल चलता है, वैसे ब्राजील में था। कौन से साल में? 1932 से लेके 1985 तक, वहां पर किसी टाइप की डेमोक्रेसी वहां पे कोई रिपब्लिक गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे जो भी डिसाइड करते थी वो वहां की मिलिट्री डिसाइड करती। उसके बाद एक्चुअल में 1985 के बाद ब्राजील की क्या हुई, ग्रोथ होना चालू हुई। और आपको पता है कि ब्राजील एक ऐसी कंट्री है, वहां पे बहुत सारे रिजर्व्स अवेलेबल है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि क्रूड ऑयल की रिजर्व्स, नेचुरल गैस की रिजर्व्स, ठीक है, वेनेजुएला ब्राजील के ऊपर जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, वहां पे बहुत सारे रिजर्व्स अवेलेबल है, इसीलिए उस कंट्री की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं ईरान, जो गल्फ कंट्री है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, क्योंकि वहां पे ज्यादा हमें क्रूड ऑयल के रिजर्व्स पाए जाते हैं, इसलिए उस कंट्री की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आगे देखो, इट हैज ओवरकम ग्लोबल, वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके, इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and as an important market in the future. ठीक है, ब्राजील अगेन क्या है कि वर्ल्ड से कंपेयर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जैसे इंडिया है, ठीक है। तो कंपेयर किया गया है ब्राजील और इंडिया को, दोनों में सेम प्रॉब्लम्स थे, दोनों अंडर किसी के रूल थे, इसीलिए डेवलपमेंट इतनी हो नहीं पाई। तो मुझे बताओ कि ब्राजील डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है? डेवलप, ब्राजील डेवलप हो चुका है क्या? रेणुका, ब्राजील क्या है? डेवलप। ओके, वॉइस नहीं, ब्राजील डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। ब्राजील में भी बहुत सारे अभी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। देखो, डेवलप कंट्री को
एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जिस कंट्री में ह्यूमन सेटलमेंट, जो ह्यूमन इंडेक्स होता है वो हाई होता है, या वहाँ का जो बहुत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम करती है, तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जिस भी कंट्री उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, उनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा होती है, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत हमेशा प्लस में चलता है, उस कंट्री को डेवलप कंट्री का स्टेटस मिलता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है, ब्राजील का इंडिपेंडेंस डे कब है, कौन से दिन मनाया जाता है, कौन बताएगा? आपको दिया है सितंबर 7। वेरी गुड, 7 सितंबर ब्राजील का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, उस समय उस दिन ब्राजील को आजादी मिली थी। इंडिया एज अ फेडरल पार्लियामेंट रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, व्हेयरएज ब्राजील एज अ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। देखो, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट में क्या फर्क रहता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ज्यादा पावर दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा पावर होती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, हमारे इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है? यस, फेडरल पार्लियामेंट रिपब्लिक। वेरी गुड, फेडरल फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हमारे यहाँ पे ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट, लेकिन ब्राजील में प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दी जाती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। ठीक है, ये ब्राजील नाम इस कंट्री का किससे पड़ा, वहाँ पे एक ट्री है, इसका नाम क्या है? यस, द नेम ऑफ ब्राजील कम्स फ्रॉम, ड्यूल ब्राजील, पाउ ब्राजील। ठीक है, उसके कारण उस कंट्री का नाम ब्राजील हुआ। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके वेरी गुड, ट्रू। ओके, मैं स्टेटमेंट को मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द वेस्टर्न, हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा है, ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये स्टेटमेंट सही है गलत? फॉल्स, फॉल्स, गलत है। फॉल्स। रेणुका, खुशी, इवन, ट्रू। रेणुका, फॉल्स। फॉल्स। ओके, इवन, ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमंत क्या आंसर? हेमंत नहीं है का? नहीं है सर। ओके, कार्तिक है, कार्तिक आएगा? ट्रू सर, ट्रू। ट्रू। रेणुका, तुमने आंसर क्या बताया? फॉल्स। हाँ। ओके, खुशी, ट्रू आंसर क्यों है, कैसे तुक्का मारा? बताओ खुशी, ट्रू आंसर क्यों है, कार्तिक का ट्रू आंसर है? तुम्ही बोलले ना, ते तिन्ही पण है जाते, नॉर्थन, साउथन आणि वेस्टर्न, म्हणून मी ते असं म्हटलं की ब्राझील इज मेनली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फिअर, मग काय उत्तर येईल?
रूसेल ना? नहीं मतलब तुमने आंसर सही तो आंसर दिया है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो कैसे ट्रू आया है। कुछ ही तुम्हें पता है, मी काय सांगितलं, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो एक वर्ड है मेनली, मेनली मतलब सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियसली सदर्न, हमने ब्राजील की लोकेशन देखी ना, इस ब्राजील का सबसे ज्यादा पार्ट कौन से हेमिस्फीयर में आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। और बहुत कम पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो मैंने अगर क्वेश्चन पूछा कि ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ब्राजील का तो सबसे ज्यादा पार्ट तो नॉर्दर्न में नहीं है, सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। और अगेन मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्राजील इज लोकेटेड इन द मेनली लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, कि ब्राजील का सबसे ज्यादा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। खुशी खुशी खुशी, फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि ब्राजील का सब मेनली सबसे ज्यादा पार्ट क्या, पूरा ब्राजील का ही पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो फॉल्स क्यों होगा वो? रेणुका कंफ्यूजन होता है का? मैं इसलिए आपको उल्टा सुल्टा पूछ रहा हूँ ताकि आप उस कंसेप्ट को पकड़ो। मैं चाहता हूँ कि आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर क्लियर हो जाए अच्छे से, ताकि आप आगे आने वाले चैप्टर को इजीली पकड़ पाओगे कि लोकेशन के कारण वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है। क्योंकि आपको अगर आप देखोगे क्लाइमेट वहाँ पे वेजिटेशन कैसे होता है, तो ये सारी डिपेंड है लोकेशन के ऊपर, ठीक है? तो सेकेंड क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। कौन सी लाइन जाती है फिर इंडिया के मिडल में से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। क्या है क्या कि ब्राजील का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया से कम है? लॉन्जिट्यूडनल कितना है ब्राजील का, कितना बोला मैंने? 34 degrees 45 minutes वेस्ट टू 73 degrees 48 minutes, और इंडिया का कितना है लॉन्जिट्यूड? 68 और 97, दोनों माइनस करो, 97 minus 68 कितना आ रहा है? 29 and 73 minus 34, तो किसका ज्यादा है? ब्राजील का। क्वेश्चन क्या है कि द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। बताओ, ब्राजील का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया से कम है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। रेणुका मोर, रेणुका क्या आंसर है? द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज मोर देन इंडिया। वेरी गुड, मोर देन इंडिया, नॉट लेस देन इंडिया। मोर क्यों आया सबको पता चला? कार्तिक, हेमंत, हेमंत नहीं है, मीत, मोर काल काल का खुशी तुम्हें पता चला मोर क्यों आया? यस सर। ओके, मोर वो पीकॉक वाला मोर नहीं, ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। राइट, क्या इक्वेटर पास हो रहा है ब्राजील के नॉर्दर्न पार्ट से? देखो एक बार मैप में। हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर है, स्टेटमेंट क्या होगा ये? ट्रू, राइट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशियन. क्या ब्राजील को कोस्ट लाइन हो रही है पैसिफिक ओशियन की? रॉन्ग. नो सर, रॉन्ग. रॉन्ग. तो कौन सा ओशियन है वो? एटलांटिक ओशियन. वेरी गुड, एटलांटिक ओशियन. ठीक है, रखना. मैं आपको चीज बताई थी शायद कि पेनिनसुलर रीजन किसको कहते हैं. पेनिनसुलर रीजन किसको पता है कुछ? देखो यहाँ पे दिया भी है कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला. पेनिनसुला पेनिनसुला मतलब क्या होता है? खुशी रेणुका पेनिनसुला मतलब क्या होता है? अरे बताओ, पता है कि नहीं पता है वो तो बताओ. यस और नो? खुशी रेणुका? नो सर. ओके कार्तिक, तुम्हें पता है? नो सर. ओके सबको वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है का रेणुका? ओके याद रखना, मैं एक वापिस रिपीट नहीं करूंगा. ठीक है, शायद मैंने बताया होगा आपको, भूल गए आप लोग. पेनिनसुला किसको कहते हैं? किसी भी लैंड, किसी भी जमीन जो होती है उसके अगर तीनों बाजू, तीनों थ्री साइड्स अगर वाटर होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुला कहेंगे. तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस और नो? यस सर. इंडिया के सदर्न पार्ट में कौन से तीन ओशियंस है बताओ उनके नाम. इंडियन ओशियन, वेरी गुड. इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. वेरी गुड. तो इंडिया के सदर्न जो पार्ट है वहां पे तीनों साइड में क्या है? पानी है, वाटर है. वो जो सदर्न पार्ट वाला जो लैंड है तो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, उस लैंड को हम लोग कहेंगे पेनिनसुला. ठीक है, पेनिनसुला रीजन या पेनिनसुला. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी कि सही हो जाएगी? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड. वेरी गुड, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी राइट. क्योंकि ओके ब्राजील में ऐसी कोई सिचुएशन है क्या? देखो एक बार, ब्राजील में कोई पेनिनसुला रीजन है? मैप में देखो एक बार. नो. ब्राजील कोई लैंड है वहां पे पेनिनसुला रीजन है? रेणुका, कार्तिक, खुशी? नो सर. रेणुका का आदेश नहीं था? ये तो है सर. ओके वेरी गुड खुशी, राइट आंसर. देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, सिर्फ दोनों जगह पे ही पानी है. तो समझो मान लो हमने ब्राजील या कोई भी यहाँ पर, यहाँ का कोई भी लैंड पकड़ लो आप लोग, किसी भी सिटी का, किसी भी का नाम, तो अगर उसके तीनों साइड में पानी है तो वो कहलाएगा पेनिनसुलर रीजन है. लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दो ही साइड पानी है, तीसरे साइड तो क्या है? लैंड है. ब्राजील में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर. ओके और एक चीज, अगर तीन साइड के बदले अगर चारों साइड पानी होता तो हम उसको क्या कहते हैं? बीच में लैंड है, चारों साइड पानी है, वाटर है, वाटर बॉडीज है, उसको क्या कहते हैं? यस बताओ. इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट नहीं, आइलैंड. आइलैंड इज द राइट आंसर. इंदिरा पॉइंट वो पर्टिकुलर जगह का नाम है. ठीक है, आइलैंड इज द राइट आंसर.
याद ये चीज याद रखना, पेनिनसुला और आइलैंड कभी पूछा मैंने तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप कहीं तो लिख लेना नहीं तो याद रखना ठीक है। अगर चारों साइड पानी होगा बीच में लैंड होगा जमीन होगी तो उसको हम लोग कहेंगे आइलैंड उस जमीन को ठीक है। और अगर किसी जमीन के तीनों साइड पानी है और एक साइड में पूरी जमीन है तो उस जमीन को हम लोग उस लैंड को हम लोग क्या कहेंगे पेनिनसुला। क्लियर है सबको? यस सर। ओके वेरी गुड थैंक यू। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? पाकिस्तान पाकिस्तान चाइना वेरी गुड भूटान। टोटल कितनी कंट्रीज है जो इंडिया की लैंड बॉर्डर शेयर करती है? बांग्लादेश म्यांमार। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? सेवन नाइन एट। यस रेणुका खुशी सेवन। सेवन इज राइट आंसर। तो श्रीलंका क्यों नहीं है? श्रीलंका भी है ना? यस और नो? नो सर। व्हाई? तो उसको बाजू में नहीं जाके बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे। ओके वेरी गुड। श्रीलंका कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया को कौन सी कंट्री है जो वॉटर बॉडी शेयर करता है तो उसमें आप इंक्लूड करोगे श्रीलंका ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड कि अगर लैंड बॉर्डर कोई पूछ रहा है आपको तो कौन कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान बांग्लादेश एंड म्यांमार। सो देर आर सेवन कंट्रीज हु शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। और अगर आपको पूछा जाए वॉटर बॉडीज कौन सी कंट्री जो इंडिया के साथ वाटर बॉडी शेयर करती है तो उसमें आ जाएगा श्रीलंका मालदीव एंड इंडोनेशिया। ये तीन कंट्री है। आप चाहिए तो उसको नाम भी लिख लेना। अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछे कोई भी कि इंडिया के साथ कौन से कंट्री जो है जो वाटर बॉडी शेयर करती है उसमें तीन कंट्री का नाम है श्रीलंका मालदीव एंड इंडोनेशिया ठीक है। ये तीनों कंट्री मालदीव एक आइलैंड है और इंडोनेशिया पे एक आइलैंड है ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। ब्राजील में बताओ कंट्रीज के नाम। ब्राजील में देखो एक बार कौन सी कंट्रीज की लैंड बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील? कितनी कंट्रीज है? यस वॉइस क्लियर है? कंट्रीज से शेयर करती है उरुग्वे अर्जेंटीना पैराग्वे बोलिविया पेरू कोलंबिया वेनेजुएला गुयाना सुरीनाम। सो इसका आंसर मुझे बताओ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राजील। What is the answer of this question? कौन सी ऐसी दो कंट्री है लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती? First one option sir. हाँ मुझे वॉइस नहीं आ रहा है। First one option. First one okay खुशी क्या आंसर है? फर्स्ट वन। कार्तिक आंसर का है उत्तर का है? फर्स्ट वन। अच्छा
चिले इक्वेटर. कोई चिली और इक्वेटर कोई कंट्री दिख रही है जो भारत जल राशि के साथ कोई लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है? तो आंसर इज ओके. इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज? क्या है आंसर? आवाज एक नहीं है का? आ रही है. इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट राइट आंसर है. वेरी गुड राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन. बोथ द कंट्रीज हैव दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. रिपब्लिक. वॉइस क्लियर है? आवाज देखा रेणुका कार्तिक मीत. ओके ओके बीच में आवाज जा रहा है सबको. स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर. ओके इसका आंसर बताओ. मुझे सुनाई नहीं दिया. बोथ द कंट्रीज हैव दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. क्या है आंसर? कार्तिक. रिपब्लिक. वेरी गुड राइट आंसर. रिपब्लिक. अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता आपको कि ब्राजील में कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंशियल. वेरी गुड. ब्राजील में क्या है? प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ. और इंडिया में कौन सी है? पार्लियामेंट्री. ठीक है ये चीज याद रखना. क्वेश्चंस क्या दिए गए? व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस? आंसर लिख पाओगे? ब्राजील यस और नो? व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस? आंसर लिखोगे यस और नो? आपको वॉइस नहीं आ रही है क्या? ब्राजील का आवाज आते का भी खुशी. आपको वॉइस आ रही है? हो सर. मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप इसका आंसर लिख पाओगे. व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस?
यस और नो? पांगा? आवाज इतनी है का? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा ठीक का आवाज पे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर? मेरे को आवाज देते का? क्लियर है आवाज वॉइस? यस सर। क्या प्रॉब्लम है? मैंने कुछ पूछा क्वेश्चन, आप इसका लिख पाओगे? व्हाट प्रॉब्लम्स फेस ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस? हो सर। ओके, ब्राजील को आजादी कब मिली? विच ईयर ब्राजील गॉट इंडिपेंडेंस? 1822। वेरी गुड, 1822। ब्राजील गॉट इंडिपेंडेंस इन 1822। हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स इन टर्म्स ऑफ लोकेशन? दोनों में सबसे डिफरेंट चीज क्या है अगर हम लोकेशन को कंसीडर करें तो? What is the main difference between, if you consider the location, so what is the difference between Brazil and India? Brazil is located in north, south and western hemisphere, while India is located in north and eastern hemisphere. Okay, very good. The main important thing is India is located in northern and eastern hemisphere, Brazil, northern, western and सदर हेमिस्फीयर। ठीक है, ये मेन चीज है लोको। एंड अगेन द डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। ठीक है, आप लिख पाओगे इसका आंसर? आपको ये डिग्री सारी लिखनी है, 8 डिग्री, 4 मिनट। ठीक है, खुशी आएगा कि नहीं? नहीं सर, खुशी। चलो ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रेणुका। रेणुका आएगा गिरी? हो सर। ओके, इसके एक्सरसाइज के सारे, ओके मीट सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चंस में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछना। कुछ कॉन्सेप्ट है और इसके मैं और डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक इसको रीड करना अच्छे से, और थर्ड चैप्टर को भी रीड करना कि फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, कौन कौन से हमारे वाटर बॉडीज हैं, कौन सी मेजर रिवर इंडिया और ब्राजील में फ्लो करती है, ये सारी चीजें हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक ओके सर। है, और रिवाइज करना जो आज पढ़ा हम लोग ने। ओके, होमवर्क कोशिश करना आज तक फिनिश, आज इवनिंग तक फिनिश करना। ठीक है, या टुमारो इवनिंग। ठीक ओके, कार्तिक आहे का? अकेला कार्तिक नहीं है?
आहे. आहे सर. कार्तिक समजला होमवर्क? हा सर. व्हेरी गुड. सेकंड चॅप्टरचे क्वेश्चन आन्सर सगळे सॉल्व्ह करा आणि थर्ड चॅप्टर वाचा. ठीक आहे, आणि काय प्रॉब्लेम असेल तर टेक्स्टबुक किंवा नोटबुक वरती लिहा, मेन्शन करा आणि मला डाऊट लेक्चर मध्ये विचारा किंवा मला नेक्स्ट लेक्चरला पण तुम्ही विचारू शकता. ओके ठीक आहे, तर आपण थांबूया इथे. ओके सर. ओके चलो, बाय, टेक केअर, थँक्यू.